Clássico. Até para ser passado, claro. आगे सभी लोग इसके शायद आपका माइक ऑन है, अगर इसका माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ करो। रवि आज में आएंगे अपना कनेक्ट हुआ। रुका, अरे रे हमारा म्यूट है, किसी का माइक अनम्यूट है, अनम्यूट है, प्लीज अनम्यूट करो उसको, अनम्यूट करो उसको। तो यहां से दिखने का किसका म्यूट है, अभी शायद क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, हम यहाँ तक पहुंचे थे। देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, हमने इस वेलोसिटी से फेंका तो 15 मीटर पर सेकेंड, वी कितना होगा जीरो, एच हमको निकालना है, जी हमको मालूम है, इसको हमने पुट अप किया, एच इक्वल टू आ जाएगा 225 अपॉन 19.6 रफली रफली 11.4 मीटर। किसी को डाउट कोई शक इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 इजी एकदम। आगे चल सकते हैं, तो आप न्यूमेरिकल में एकदम एक्सपर्ट बनने चाहिए, आपको न्यूमेरिकल्स में एक्सपर्ट बनाना। मेरे को स्टोन फॉलिंग फ्रॉम ए बिल्डिंग, आप स्टोन कहां से गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसको देख के समझ जाओ यू इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन देख के समझना, ए स्टोन फॉल फ्रॉम ए बिल्डिंग एंड रीच द ग्राउंड 2.5 सेकेंड लेटर, आपको टी दिया है 2.5 सेकेंड, आगे कह दिया हाउ हाई इज द बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग का हाइट निकालना है, जी कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए निकालिए इसका, इसमें हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताइए, विशाल बताइए इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, विशाल कोठारी हो या नहीं हो, विशाल कोठारी भाग गया। मयूर कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, गुड। चलिए एच निकालिए फटाफट, आप भी निकालिए, मैं आपके साथ साथ निकालता हूँ, मेरा स्पीड आपसे स्लो होना चाहिए। H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू मुझे दिया है जीरो, इंटू टी दिया है 2.5 प्लस हाफ, आप उससे फास्ट निकालिए, मैं स्लो निकाल रहा हूँ, आप लोग फास्ट निकालिए, 2.5 का स्क्वायर, H इक्वल टू 0 माइनस 4.9 इंटू 6.25। अच्छा तो नीचे आ रहा है, जब प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, एच की वैल्यू 6.25 4.954 18422 टू कैरी 54 56 इंटू 22 8 और 10 5 और 2 तो 5 2 6 0 3 पॉइंट आएगा 3 के बाद,
एवरेज 30.6 मीटर। मैंने सबसे पहले निकाल लिया है, आप लोगों ने निकाला नहीं, गुड। आया सबका 30.6 मीटर? किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में पूछ सकते हो किसी भी स्टेप में। बहुत ही, अगर आपने मोशन के न्यूमेरिकल, सर क्या आप Q3 दिखाएंगे जॉइन लेट जस्ट बच्चा दिखाए तो ये सबको रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा, जय चलेगा। बाहर से बाहर जाना बंद कर, ये आवाज यहां से लगभग 50 मीटर दूर था तो जूम इतना सेंसिटिव है। यस, चलो मैं तो थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूं बार जय को। यस जय, प्लीज नोट फटाफट, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप मोशन के न्यूमेरिकल्स अगर समझ लिए हैं तो ये ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल आपके पक्के हो जाएंगे, और ये एक आधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना। नोट लिया जाए, आगे चले, पांच बजे का क्लास स्टार्ट होगा बच्चों का, 6 बजे मतलब। अगला क्वेश्चन करेंगे वैसे सेम स्टोन का क्वेश्चन, ठीक है। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मतलब 20 मीटर। हाँ, ये सब न्यूमेरिकल्स आपके बुकलेट में, मैं आपको हर एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दिया है h इक्वल टू 20 मीटर, और देखो यहाँ पर उसने स्पेशली क्या बोला, टेक g का वैल्यू 10, तुमको g का वैल्यू 10 लेना है, ठीक है। आप स्टोन को एक हाइट से ड्रॉप किया है, इसका मतलब g का वैल्यू प्लस 10, तो h इक्वल टू 10 मीटर, सॉरी g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट a में क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तुमको टाइम निकालना है, और सेकंड वाले पार्ट में व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन इट हिट द ग्राउंड। जब ऊपर से छोड़ा तो ऊपर तो जीरो वेलोसिटी है, मतलब u का वैल्यू जीरो, और जब नीचे आएगा मतलब किसी ने किसी स्पीड से पक्का टकराएगा, वो हमको निकालना है। चलिए निकाल के दिखाइए। फर्स्ट पार्ट के लिए h इक्वल टू, मतलब आपको h दिया है और u पता है, तो आपको फर्स्ट t निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंड इक्वेशन यूज करनी है, एंड ये वाला पार्ट निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, आप तीनों में से कोई यूज कर सकते हो, आंसर तीनों से आएगा, ठीक है। h इक्वल टू, चलिए आप लोग कीजिए, मैं भी स्लो मोड में करता हूँ, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू का वैल्यू जीरो, टी हमको निकालना है, प्लस हाफ जी का वैल्यू 10, टी स्क्वायर हमको निकालना है। अब इसमें गड़बड़ है कि भाई इसको अगर यूज करेंगे तो क्वाड्रेटिक जैसी चीज बन जाएगी, एच कितना दिया आपको 20 दिया है, नहीं बनेगी। चलो देखो, तो 20 इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, इसको से कट किया 5 बचा, 20 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, 5 को इसके नीचे ले जाओ, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 20 अपॉन 5 कितना हो गया 4। अब टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 4, स्क्वायर रूट करेंगे तो टी का वैल्यू कितना आएगा प्लस 2 एंड माइनस 2, बट टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। मतलब आपने पत्थर ऊपर से नीचे फेंका, 20 मीटर का बिल्डिंग था, नीचे आने में उसको 2 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, वी का वैल्यू सेकेंड पार्ट में, मतलब कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, हमको वी निकालना है, तो वी इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस जी कितना है 10, टाइम कितना निकला 2 सेकेंड, तो कितना हो गया 20, एकदम सही बात, 20 मीटर पर सेकेंड, एकदम इजी न्यूमेरिकल। कौन कहता है फिजिक्स मुश्किल है, जरा तबीयत से सीख के तो देखो। सो क्या क्लियर समझ में,
यस, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके बुकलेट्स में है, आपको होमवर्क यही है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको खुद एक बार वापस सॉल्व करना है विदाउट देखे हुए, और तब आपको समझेगा कि आपको सही में समझा या नहीं समझा। कल आपका कल संडे तो आपका लाइन्स एंड एंगल का टेस्ट रहेगा, टेस्ट पेपर मैं ही बनाने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए तैयारी अच्छी करना, पेपर टफ बनाऊंगा पहले बताए तो सबका लाइन्स एंड एंगल का टेस्ट होगा। और अगले हफ्ते अभी ग्रेविटेशन में मास और वेट ये कंसेप्ट बाकी है, और उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो मोस्टली मंडे ट्यूसडे में आपका ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा, फिर अगर थर्सडे फ्राइडे आपका ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, और सैटरडे हो या संडे, या तो आपका मैं सैटरडे को ही ग्रेविटेशन का क्लास में टेस्ट ले लूंगा या बाद में ले लूंगा संडे को, तो अगले हफ्ते आपके हो सकता है साइंस के दो टेस्ट हो, एक टिश्यूज का भी हो सकता है, एक ग्रेविटेशन का भी हो सकता है, ग्रेविटेशन का तो पक्का रहेगा, टिश्यूज का मैं सुदीप से डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन, एक क्रिकेट बॉल को हमने ऊपर भेजा सैटरडे रिवीजन, हाँ अगले सैटरडे रिवीजन लेने में, एक क्रिकेट बॉल को हमने ऊपर भेजा, इट रीचेस ए हाइट ऑफ 5 मीटर, हमको एच दे दिया है, कितना है 5 मीटर, चलो आप लोग खुद अब निकालो, जो मैंने भी लिखा आप खुद सॉल्व करो, हाँ ऋषिकेश, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी बुकलेट में है, अभी कितने क्वेश्चन बाकी है मोस्टली, एक ये बाकी है, एक ये बाकी है, दो, हाँ बस 3 क्वेश्चन बाकी है, आप बुकलेट में सारे क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप लोग ये आप कर लेना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सेम जितने भी क्वेश्चंस बुकलेट में दिए हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी वाले तो आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक क्रिकेट बॉल को हमने ऊपर भेजा, इसका मतलब v इक्वल टू 0, कि ऊपर जाके वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर, हमने h ले लिया, g का वैल्यू उसने बोला 10 लेना है, बॉल हमने ऊपर फेंकी तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, आपको u निकालना है, निकालो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन कौन सी है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, चलिए बताइए मेरे को फटाफट कौन निकाल पाता है, v का वैल्यू 0 स्क्वायर, u का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है प्लस 2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 5, यहाँ पर आपका -10 आएगा, तो 0 इक्वल टू u स्क्वायर, आंसर बताओ कितना आंसर आया, -10 10 100, तो u स्क्वायर इक्वल टू 100, तो u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, गुड बेटा, वेलोसिटी कभी भी u तेजस 0 नहीं आएगा, आपने ये g का वैल्यू जो हमने बोल देखो ऊपर फेंकी है ना, जब ऊपर फेंकेंगे अथर सुनो ध्यान से, हमने बोल ऊपर फेंकी है तो g का वैल्यू माइनस हो गया, तो ये प्लस ही आएगा, वेलोसिटी कैन नेवर बी 0, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 तो हो सकती है ना पर नेगेटिव नहीं होगी, आपने कोई चीज रखी भी है तब भी वेलोसिटी 0 है, आपने उसको मूवमेंट दिया तो कुछ प्लस होगा, वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, गुड। अब चलिए सेकंड पार्ट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डी इज द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस gt, बताइए t का वैल्यू कितना आएगा, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 10, माइनस g का वैल्यू 10, टाइम हमको निकालना है तो t का वैल्यू आ जाएगा 1 सेकेंड, कि भाई आपने जो बॉल फेंकी है वो 5 मीटर हाइट पे जाएगी, उसके लिए उसको 1 ही सेकेंड लगेगा, अगर उसका इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो तो, आया सबको लॉजिक क्लियर हुआ,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। शुभम को समझ आ गया मतलब क्वेश्चन इजी है। शुभम ऐसी मेहनत करो ठीक है, कल क्लाइंट एंगल में नंबर अच्छा आना चाहिए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर से नीचे किसी के नहीं आने चाहिए। वरना मैं फोन करूंगा तुमको घर पे पेरेंट्स वालों को, 20 नंबर के लाते 30 में से ऐसे कैसे चलेगा। हमारा टारगेट 100 का है, ये तो टारगेट हमको डिफीट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए पार्टिकल इज थ्रोन, आप लोग जिसको आता है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप ठीक है। एक पार्टिकल को हमने ऊपर भेजा वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, मैंने उसको नीचे से ऊपर फेंका, इसका मतलब u का वैल्यू दिया हमको 50 मीटर पर सेकंड। ओके व्हाट विल द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हमको पता है जब सबसे ऊपर पहुंचेगा तो भाई v अपने आप जीरो आता है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आता है, जीरो आता है। हाउ हाई वुड इट राइज, तुमको मतलब एच निकालना है। ओके व्हाट टाइम विल इट टेक, तो टी भी निकालना है। सेम क्वेश्चन, चलो इस बार मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आप लोग मेरे को आंसर बताएंगे। आंसर लिखा है तो ये आपको निकालना है। जी का वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का वैल्यू आप 10 लो, 10 मतलब -10 क्योंकि पत्थर हमने ऊपर फेंका। चलिए एच का वैल्यू बताइए और मेरे को टी का वैल्यू बताइए। बताइए किस किस को आ गया है, वी दिया है, यू दिया है, एच निकालना है, मतलब थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो वी कितना है 0 स्क्वायर, यू कितना है 50 का स्क्वायर प्लस 2, जी का वैल्यू -10, एच हमको निकालना है। तो 0 इक्वल टू 50 का स्क्वायर हो गया 2500 -20 एच, 20h को यहाँ ले जाओ तो 20h = 2500 h = 2500। अथवा बेटा आपका आंसर गलत है, डिवाइड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल एंड 250 से 2 को करेंगे तो 125 मीटर। आप मेरा आंसर आपसे मैच करो, आपका हाई 2480 आया है। सेकेंड पार्ट में आपको टी निकालना है, मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करो था। चलिए सेकेंड हम पार्ट टी निकालना है, तो टी हम फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, हम सेकंड से निकाल सकते हैं, पर फर्स्ट से निकालना इजी है क्योंकि वी का वैल्यू 0, यू का वैल्यू 50 प्लस जी का वैल्यू -10, टी हमको निकालना है। तो 0 = 50 - 10t, इसको यहाँ ले जाओ तो 10t = 50, तो टी का वैल्यू कितना हो गया 5 सेकंड। देखिए सबका आंसर मैच हो रहा है, क्या सबको क्लियर है? तो कोई भी क्वेश्चन अब आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है आपको आना चाहिए, इससे बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको इतना भी समझ में आ गया आपके लिए सफिशिएंट है। सबका आंसर आया, आगे चल सकते हैं। चलिए गुड, जी का वैल्यू देखो पहले दिया है, टेक जी इक्वल टू आपको मेंशन हुआ क्वेश्चन, अगर आपको 10 नहीं बोला तो आपको 9.8 लेके सॉल्व करना है, और आपको जी का वैल्यू 10 दिया है तो 10 लेके सॉल्व करना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको बोला गया है, बोला कुछ नहीं बोला, देखो किसी भी क्वेश्चन में देखो आपको जी नहीं दिया इस क्वेश्चन में कि जी का वैल्यू 9.8 लो, मतलब 10 लो, तो जब नहीं बोला जाता तब 9.8 लेते हैं, और जब बोला जाता है कि इतना लो उतना लेना है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग मेरे को करके बताओ, डॉक्टर आंसर्स आपके सामने लिखे हैं, एक बार अटेंडेंस दे दो इससे पहले, एक बार फटाफट सब लोग प्लीज गिव अटेंडेंस, नहीं फर्स्ट अभी अटेंडेंस दो, अभी कुछ लोग ऐसे बस 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, फिर आप जा सकते हो, ठीक है। वेदांत आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस? चलो सब लोग अटेंडेंस दो फटाफट, भूमन भूमिका दोनों को समझ में आ रहा है? अभी बेटा तबीयत कैसी है अपनी कनिष्का? जी का वाले दो उसमें आपको 10 नहीं बोला, तो आपको 9.8 लेना है, 9.8 से जी भी आएगा। चलो गुड, थोड़ा ध्यान रखो कनिष्का, जल्दी ठीक हो जाओ फटाफट। अगले हो सकता है मैं मैथ का आपका क्लास लूँ ट्राइंगल्स, तो ये अपने सर का थोड़ा एग्जाम एक आ रहा है नवंबर में, तो थोड़ा रिलैक्स चाहते हैं, तो हो सकता है आपको मैथ भी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर लूँ। थैंक यू भूमिका, मुझे खुशी आप लोग समझ पा रहे हैं। बस गायत्री में कल मेरे को अच्छे में किसी से मिलने जाना है, मैंने कल ही सोचा था आपका SST ले लूं, पर कल किसने मुझे बुलाया है कर्नल भारद्वाज ने मिलने के लिए, तो मैं एक बार देखो सुबह वहां जाऊंगा, फिर आपका टेस्ट भी है सितंबर में, मेरा एग्जाम है फर्स्ट। यस यस, कल आपका फिर मैं टेस्ट जल्दी रख लेता हूँ। नहीं भूमिका, अगर आपको कोई डाउट है ना SST में तो आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा किसी चैप्टर में, मैं कोशिश करूंगा अगर कल मैं जल्दी आ गया, ठीक है, कल मैं लाइन्स, क्योंकि अभी शायद आपके फर्स्ट स्टेप में नंबर से कुछ बच्चों के एग्जाम स्टार्ट है ना, तो कल मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे को कल टाइम बना, अगर टेस्ट हमने सुबह रख लिया, अगर आपका अथवा आपका क्वेश्चन हो गया तो आप जा सकते हो। अगर मैं कल, उन्होंने कल मेरे को 10:30 बजे बुलाया है, तो मैं आपका सुबह टेस्ट पेपर बना के भेज दूँगा आपको, सुबह आपका टेस्ट हो गया तो मैं 3-4 बजे के आसपास एक बार प्लानिंग करता हूँ कि आप लोगों ने SST स्टार्ट करो, मैं लेना चाहता हूँ एक्चुअल, तो मैथ भी हो जाएगा, फिजिक्स भी हो जाएगा और SST भी हो जाएगा। ये इंजीनियर्स की खासियत होती है, इंजीनियर्स कैन टेक एवरीथिंग। किरण पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसका क्वेश्चन हो गया वो जा सकता है, नेक्स्ट मैं फिर भी सॉल्व करता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता हूँ, ठीक है। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द एज ऑफ रूफ, तो पत्थर हमने ऊपर से नीचे फेंका, ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फॉल 4.9 मीटर, तो उसने पूछा है जब ऊपर से नीचे फेंका तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो पहले तो टाइम टी, तो टी हमको निकालना है, एच हमको दिया है 4.9 मीटर, ठीक है। हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ दैट फॉल, अब इस क्वेश्चन में कैसा किया उसने एक्चुअली में ऐसा दिया, आप ऊपर बैठे हो, आपने ऊपर से पत्थर फेंका, तो उसने बोला जब यहाँ पर हाइट 4.9 हो गई तब बताओ कितना टाइम है, और ये एक्चुअल में ग्राउंड है, ये ग्राउंड सरफेस है, तो उसने आपसे बीच में पूछ लिया है भाई उसने अगर 4.9 मीटर का हाइफ अटेंड किया है तो कितने टाइम में पहुंचा, तो हम इसको H1 ले सकते हैं, भाई सेम चीज, ऊपर से नीचे फेंका तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फर्स्ट है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हमको टी निकालना है,
मैं रुक गया हूँ सर, मुझे आपका आंसर देखना है। ओके ठीक, अब हमारा फर्स्ट निकालेंगे H1, तो UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ओके ठीक है, यहाँ पर आपका U का वैल्यू जीरो, H हमको दिया 4.9, 4.9 इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ 9.8 टी स्क्वायर। ठीक है, तो 4.9 इक्वल टू प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इसको कैंसिल किया तो 4.9 और तो 4.9 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, इसको इसके नीचे ले आओ तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4.9 अपॉन 4.9, कैंसिल करेंगे क्या बचेगा 1, स्क्वायर रूट भी लेंगे तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब इस हाइट तक आने के लिए इसको 1 सेकेंड लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ दैट फॉल। उसने पूछा इसी पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगा v1, ये हमको निकालना है। ठीक है, इसको यही निकालते हैं, तो v इक्वल टू v1 इक्वल टू u प्लस gt, gt मान लेते हैं, v का वैल्यू हमको निकालना है, u पता है हमको 0 प्लस g का वैल्यू 9.8, t का वैल्यू 1, तो v1 हमारा हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 4.9 मीटर हाइट पर वेलोसिटी कितना हो गया 9.8 मीटर। देखो ये भी करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकेंड वाला करेक्ट है। उसने आगे पूछा सी में, हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ 7.9 मीटर। अब मेरा हाइट चेंज हो गया, हम यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब उसने पूछा 7.9 मीटर पे वेलोसिटी कितना होगा, हाउ फास्ट मतलब वेलोसिटी कितना होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू ये तो जीरो रहेगा प्लस 2, g हमारा 9.8 इंटू h, h कितना दिया हमको 7.9, तो v हम सॉल्व करेंगे मतलब अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 7.9, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। चलो आपको कॉन्फिडेंट आना चाहिए भाई, आप भी ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसा नहीं केवल टीचर कर सकता है, आप सब लोग कर सकते हो। तो जो इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 इंटू 9 हो गया 19.6, है ना 19.6, ऐसे 7.9 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखिए कितना आता है, 3 6 कैरी 81, 6 7 8 कैरी 17 इंटू 42, 4 कैरी 63 और 4 67, 6 कैरी 13, तो 3 9 4 5 1 डेसिमल लगेगा 2 के बाद, तो v इक्वल टू अंडर रूट 154.93। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो आप लोगों को नहीं आता, सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया है, अब स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 154.93। हमको देखो 12 का स्क्वायर पता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसका मतलब ये 12 से थोड़ा ज्यादा होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, तो टाइम भी खत्म होगा 10 मिनट में, तब तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। डेसिमल के इधर जब पेयरिंग होती है ऐसे डबल पेयरिंग होती है, और इधर से ऐसे डबल पेयरिंग, यहाँ पर कितना बचा 1, तो 1 यहाँ पर गया, 1 यहाँ पर गया, तो यहाँ पर आएगा 1, ये 1 प्लस 1 2 होता है, ऊपर से आएगा 54, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो कितना हो गया 44, कितना बचेगा 10, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट आ गया, अब कितना उतरेगा 93 समथिंग, यहाँ पर आ जाएगा 2 तो ये होगा 24, इसको आगे सॉल्व करोगे तो समथिंग आपका 4 आ जाएगा, तो v का वैल्यू हमारा आ गया 12.4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना, और मैथ्स में स्क्वायर रूट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग आना चाहिए, खासकर डेसिमल वाला, ये 10th में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये तो हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, c का वैल्यू 12.4 मीटर पर सेकेंड। अब उसने आपसे पूछा है
what is the acceleration after 1 second and 2 second? तो देखो acceleration क्या होता है, ये constant रहता है, 1 second पे check करो, 2 second पे check करो, 10 second पे check करो, 15 second पे check करो, g का value ऊपर से नीचे जब डालोगे तो सेम रहेगा, इसलिए it will remain same, 9.8 meter per second square. क्या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? इजी एकदम. तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं ये आपको सॉल्व करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये बुकलेट में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये जो भी 7-8 क्वेश्चंस हैं एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी वाले, आपको सॉल्व करके अपलोड करने हैं गूगल क्लासरूम पे. मैं भी वहां पर होमवर्क क्रिएट कर देता हूँ और कल आपका कोशिश करूंगा सुबह सुबह में टेस्ट रखूँ, 10-11 बजे के आसपास आप लोगों में टेस्ट कंडक्ट कर दूंगा. सुबह चाहिए शाम को चाहिए, क्या इच्छा आप लोगों की, सुबह या शाम को लाइन से एंगल का टेस्ट? देखिए कितने लोग मॉर्निंग इवनिंग, ओके गुड, इवनिंग वाले ज्यादा हैं. मैं तो डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ, देखें सुबह वाले शाम वाले कितने हैं, मैक्सिमम पब्लिक शाम वाली है. चलिए ठीक है, आप लोगों को दिन में प्रिपरेशन का मौका मिलेगा, फिर एसएसटी का क्लास डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर मैं क्लास लूंगा, फिर आप लोग सब वो डज नॉट हैव फोन. ठीक है बच्चा, आप उसको अपलोड कर सकते हो ना, आप दो अपलोड कर सकते हो. भुवन आपको क्या करेगा, आपको अपनी पीडीएफ बना के भेज देगा और आप उसको अपलोड कर देना, क्योंकि एक्चुअली मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा और चेकिंग जो है जब तक अपलोड नहीं होगा गूगल क्लासरूम में, और वो भी असाइनमेंट के साथ में, आपको केवल अपलोड नहीं करना, आपको पर्टिकुलर उस असाइनमेंट या टेस्ट का उसको असाइन करना होता है. जब असाइन कर पाओगे तभी हम लोग उसको चेक कर पाएंगे, अदरवाइज पेपर चेकिंग नहीं होगा. ठीक है चलो, टेस्ट हम शाम को लेंगे, अच्छी तैयारी करना, 30 में से 20 नंबर से मुझे ऊपर चपके चाहिए, नीचे मत लाना. ठीक है ओके चले, थैंक यू वेरी मच. किसी को डाउट है रुक सकते हो, बाकी लोग मूव कर सकते हो, 5 मिनट है भी क्लास खत्म होने में, जिसको रुकना है सर जरा इजी बनाओ, चलो मीडियम बनाऊंगा. ठीक है मैं भी चाहता हूँ आप लोग थोड़ा मेहनत करो. चलो थैंक यू वेरी मच, हरी बोल, शब्बा खैर, वंदे मातरम, भारत माता की जय. किसी को डाउट है रुक सकता है, पूछ सकता है, आई एम अवेलेबल फॉर द 5 मिनट्स, मीटिंग खत्म होने में 6 मिनट बाकी है. पूछो शुरू क्या डाउट है. सर टेस्ट पर्सनल पर भेजना है ना, पर्सनल ही बच्चा, गूगल ग्रुप पे, गूगल क्लासरूम पे. इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट? हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है पर हाइट पे चेंज होता है. 9.8 है, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, आपका जी का वैल्यू सेम रहता है. पर जी वेरी कब करता है, जब ऊपर हाइट हाइट पे जाते हैं या अर्थ के अंदर जाते हैं. सर अटेंडेंस देन डिस्कंट्रोल, हाँ ठीक है सही, आप अटेंडेंस दे सकते हो. शिव पूछे सर मीन्स वाइल फॉलोइंग देर इज नो इंक्रीज? नहीं, इंक्रीज इन स्पीड होगा, स्पीड इंक्रीज होगी. ठीक है आप लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, सर्कुलर मोशन की खासियत क्या थी? सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपका कॉन्स्टेंट स्पीड होता है बट एक्सेलरेशन आपका कंटिन्यूस रहता है. ऐसे इसमें आपका हर सेकेंड पे वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर शुभम? इंक्रीज इन स्पीड, और किसी को कोई डाउट? हाँ बेटा मैंने कल तक के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और अभी वाला मैं अभी आधे घंटे में कर दूंगा, अभी कन्वर्ट होने 15 मिनट लगाएगा फिर मैं अपलोड कर दूंगा. कल तक के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. ओके चलिए हरी बोल, हरी बोल बच्चा जी.